यदि हम तुम्हें ही सब कुछ बता देंगे तो दीति से क्या कहेंगे? इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि आप देवी दीति को वरदान अवश्य देंगे। नारद, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अर्थ का अनर्थ ना करो। नारद, चकित होने की आवश्यकता नहीं है। देवी सरस्वती सत्य कह रही है। सत्य? अर्थात आप देवी दीति के समीप जाएंगे किंतु उन्हें वरदान नहीं देंगे? अपनी जिज्ञासा का समाधान पाने के लिए ये व्यग्रता अनुचित है नारद। नारायण नारायण, तो आप अपने मानस पुत्र की जिज्ञासा का समाधान कर क्यों नहीं देते परमपिता? आपसे तो ये रहस्य अज्ञात नहीं है कि अपनी जिज्ञासा का समाधान पाए बिना नारद का चित्त शांत नहीं होता। वैकुंठ के महासम्मेलन में तो तुम संयोजक थे। महासम्मेलन के समय जो घटनाएं हुई उसका स्मरण तुम्हें अवश्य होगा नारद। आप किस घटना का उल्लेख कर रहे हैं परमपिता? वहां तो कई घटनाएं और कई दुर्घटनाएं एक साथ घटी थी। शुक्रदेव का दैत्य गुरु शुक्राचार्य बनना, शनिदेव का अपने पिता सूर्यदेव के विरुद्ध विद्रोह और सनकादिक चार बाल योगियों द्वारा वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय को शाप। मैं इसी अंतिम घटना का स्मरण तुम्हें करवा रहा हूँ नारद। परमपिता, इस घटना का देवी दीति की तपस्या से क्या संबंध? संबंध है नारद। कश्यप पत्नी दीति असाधारण बलशाली अपराजित पुत्रों की प्राप्ति हेतु तपस्या कर रही है। नारायण नारायण, दीति की तपस्या से जय विजय का क्या संबंध हो सकता है परमपिता? संसार में तुम्हारे लिए तो यही विख्यात है नारद कि तुम एक सूत्र पकड़कर सारे सूत्र एकत्रित कर लेते हो, किंतु आज तुम्हारी बुद्धि को क्या हुआ? नारद की बुद्धि दिन प्रतिदिन तीव्र और कुशाग्र होती जा रही है। अर्थात? अर्थात अज्ञानी के लिए ज्ञान का मार्ग सदा खुला रहता है और ज्ञानी को ज्ञान देने का दुस्साहस कौन करेगा? चतुर नारद। उदय करवाने वाली श्रद्धा, अकर्म का सर्वनाश और कर्म का प्रतिफल देने वाली श्रद्धा, अज्ञान के अंधकार में ज्ञान का प्रकाश बिखेरने वाली श्रद्धा, संतों सदाचारियों सद्व्रतियों और सदआत्माओं के हृदय में निवास करने वाली श्रद्धा, मैं श्रद्धा हूँ। देवी पार्वती की प्रार्थना पर भोलेनाथ उन्हें सूर्य देव और शनि देव के मध्य भयानक शत्रुता की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। देव शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा विवाह से पूर्व न जाने किस कल्पना में खोई रहती थी। संज्ञा की कल्पना के तेजस्वी पति प्राप्ति के लिए चिंतित विश्वकर्मा और उनकी पत्नी विश्वमती ने देवर्षि नारद के परामर्श पर सूर्य आराधना का प्रारंभ किया। उधर संज्ञा सूर्य देव से अपने विवाह का समाचार सुनकर उद्विग्न हो गई। सूर्य देव के परामर्श पर विश्वकर्मा एवं विश्वमती ने कश्यप आश्रम जाकर महर्षि कश्यप से सूर्य संज्ञा के विवाह की अनुमति प्राप्त की।
किंतु कश्यप की दूसरी पत्नी दिति ने इस विवाह का विरोध करते हुए स्वयं पुत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्मदेव की आराधना प्रारंभ की। यदि हम तुम्हें ही सब कुछ बता देंगे तो दिति से क्या कहेंगे? इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि आप देवी दिति को वरदान अवश्य देंगे। नारद, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अर्थ का अनर्थ ना करो। नारद, चकित होने की आवश्यकता नहीं है, देवी सरस्वती सत्य कह रही है। सत्य अर्थात आप देवी दिति के समीप जाएंगे किंतु उन्हें वरदान नहीं देंगे। अपनी जिज्ञासा का समाधान पाने के लिए ये व्यग्रता अनुचित है नारद। नारायण नारायण, तो आप अपने मानस पुत्र की जिज्ञासा का समाधान कर क्यों नहीं देते परमपिता? आपसे तो ये रहस्य अज्ञात नहीं है कि अपनी जिज्ञासा का समाधान पाए बिना नारद का चित्त शांत नहीं होता। वैकुंठ के महासम्मेलन में तो तुम संयोजक थे। महासम्मेलन के समय जो घटनाएं हुई उसका स्मरण तुम्हें अवश्य होगा नारद। आप किस घटना का उल्लेख कर रहे हैं परमपिता? वहां तो कई घटनाएं और कई दुर्घटनाएं एक साथ घटी थी। शुक्रदेव का दैत्य गुरु शुक्राचार्य बनना, शनिदेव का अपने पिता सूर्यदेव के विरुद्ध विद्रोह और सनकादिक चार बाल योगियों द्वारा वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय को शाप। मैं इसी अंतिम घटना का स्मरण तुम्हें करवा रहा हूँ नारद। परमपिता, इस घटना का देवी दिति की तपस्या से क्या संबंध? संबंध है नारद। कश्यप पत्नी दिति असाधारण बलशाली अपराजित पुत्रों की प्राप्ति हेतु तपस्या कर रही है। नारायण नारायण, दिति की तपस्या से जय विजय का क्या संबंध हो सकता है परमपिता? संसार में तुम्हारे लिए तो यही विख्यात है नारद कि तुम एक सूत्र पकड़कर सारे सूत्र एकत्रित कर लेते हो, किंतु आज तुम्हारी बुद्धि को क्या हुआ? नारद की बुद्धि दिन प्रतिदिन तीव्र और कुशाग्र होती जा रही है। अर्थात अज्ञानी के लिए ज्ञान का मार्ग सदा खुला रहता है और ज्ञानी को ज्ञान देने का दुस्साहस कौन करेगा? चतुर नारद, अज्ञानी बनकर दिति के संबंध में हर रहस्य जान लेंगे। माता माता, नारायण नारायण। सुनो नारद, जय विजय जब तक अपनी आयु पूर्ण करके वैकुंठ से पतित नहीं होते तब तक दिति माता नहीं बन सकती। नारायण नारायण। यही बात कहकर हम दिति की तपस्या को संतुष्ट करेंगे। नारद, इस बात से कश्यप पत्नी दिति संतुष्ट हो जाएंगी इसका मुझे विश्वास नहीं। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 देवी दीति, ओम ब्रह्मणे नमः। आंखें खोलें दीति। ओम ब्रह्मणे नमः। अपनी तपस्या को विराम दें। परमपिता, परमपिता, मेरे पिता दक्ष प्रजापति तथा मेरे स्वामी के मानस पिता होते हुए भी आपने मुझे दर्शन देने में इतना विलंब क्यों किया? क्या मेरे आराधना के स्वर आप तक पहुंच नहीं रहे थे? अथवा मेरी बहन, नहीं नहीं, मेरी सौत अदिति ने मेरे स्वर रोकने के लिए कोई षड्यंत्र किया? अपने मन में उठते संदेह के ज्वालामुखी पर नियंत्रण रखो दीति। भला अदिति तुम्हारे स्वर को रोकने का कार्य क्यों करेगी? आपको तो ज्ञाति होगा परमपिता,
के ईर्ष्या व्यक्ति को किस सीमा तक नीचे गिरा देती है? आप स्पष्ट कहें, क्या आदिति ने मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र किया है? अदिति के स्वभाव से तुम स्वयं अपरिचित नहीं हो दीति। वो तो जप तप व्रत करने वालों पर प्रसन्न होती हैं। उनका विरोध कैसे करेंगी? ये प्रसंग ही ऐसा है परमपिता। स्त्रिया चरित्र को भला एक स्त्री से अधिक कौन समझ सकता है? सौतिया ईर्ष्या ने उसका स्वभाव परिवर्तित कर उसे और ईर्ष्यालु बना दिया है। सत्य तो यह है दीति कि सौतिया ईर्ष्या से तुम ग्रसित हो। देवी अदिति तो आज भी तुम्हें छोटी बहन के समान ही स्नेह करती हैं। ये सत्य नहीं है। आप अदिति का पक्ष ले रहे हैं। हम किसी का पक्ष नहीं लेते, अपितु न्याय की कसौटी पर हर एक को परखते हैं। हमारे कई आराधक तो तपस्या करते करते युगों बिता देते हैं, किंतु हमारे दर्शन उन्हें प्राप्त नहीं होते। तुम्हारे स्वभाव को देखते हुए हम शीघ्र ही प्रकट हुए हैं। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं स्वयं कुछ नहीं कहूंगी। आपको मेरी इच्छा के विषय में भलीभांति ज्ञान है। बताएं, मुझे असाधारण पराक्रमी पुत्रों का वरदान दे रहे हैं अथवा नहीं? देती, हम तुम्हें इच्छित वरदान अवश्य प्रदान करेंगे, परंतु उसका फल पाने के लिए तुम्हें दीर्घ काल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्यों? क्यों करनी पड़ेगी प्रतीक्षा? ये विधि का निश्चित विधान है। तो आपकी तपस्या से लाभ क्या निकला? हमने तो तुमसे तपस्या करने को नहीं कहा था दीदी, किंतु एक बात निश्चित है। कौन सी बात? यदि तुमने अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं किया तो इसका प्रभाव तुम्हारे होने वाले पुत्रों पर भी पड़ेगा। इस कारण क्रोध और ईर्ष्या का त्याग करो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम कहो अथवा ना कहो ब्रह्मदेव, किंतु मैं भली बाती जानती हूँ। मुझे प्रतीक्षा अदिति और उसके पुत्रों के कारण ही करनी पड़ रही है, किंतु मैं पराजित नहीं होने वाली। पराक्रमी पुत्रों को जन्म देकर उन्हें विश्व विजयी बनाकर ही रहूंगी, और जब तक मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हो जाती तब तक मैं किसी धार्मिक अनुष्ठान स्वागत समारोह में भाग नहीं लूंगी। अदिति पुत्र सूर्य के विवाह में भी नहीं। तुम दोनों का वैवाहिक जीवन मंगलमय हो। सूर्य देव जैसा श्रेष्ठ तेजस्वी तथा गृहपति वर पाकर तुम धन्य हो गई हो देवी संज्ञा। तुम दोनों के जीवन में सुख और समृद्धि का वास हो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। मेरे तेजस्वी पुत्र सूर्य, आज तक तुमने अकेले ही अपने तेज से इस संसार को प्रकाशित किया। इन्हीं श्रेष्ठ कर्मों का परिणाम है कि तुम्हारे अपने जीवन को प्रकाशित करने वाली देव शिल्पी विश्वकर्मा देव की सुंदर कन्या संज्ञा प्राप्त हुई। तुम दोनों का कल्याण। नारायण नारायण। संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य देव का जीवन भी प्रकाशित हो गया, किंतु देवी संज्ञा, क्या आप सूर्य देव के समान अपने तेज से इन्हें ताप का अनुभव करवाएंगी? नारद, तुम देव ऋषि हो, अवसर की गरिमा और मर्यादा का तुम्हें सदा ध्यान रखना आवश्यक है, किंतु निसंदेह ये अवसर हास्य परिहास तथा आनंद का ही है। नारायण नारायण। Thank you.
क्या हुआ संज्ञा? तुम इतनी अधिक घबराई हुई क्यों लग रही हो? कुछ नहीं स्वामी। कुछ तो है संज्ञा। विवाह की बेला से मैं तुम्हारी घबराहट, उद्विग्नता और गंभीरता का अनुभव कर रहा हूं। क्या तुम हमारे तेज से भयभीत हो? प्रिय, इस समय हम तुम्हारे लिए ताप और अग्नि वर्षा करने वाले भास्कर नहीं, अपितु तुम्हारे पति शीतल हृदय सूर्य हैं। जिसके प्रेम का शीतल प्रकाश युगों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हें हमसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। तुम स्वयं सूर्य के एकाकी जीवन को प्रकाशित करने आई हो। तुम्हारा भय निराधार है। क्षणिक सोचो, जिस दंपत्ति को सृष्टि के परम आराध्य त्रिदेव ने सुख समृद्धि तथा उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया हो, उसे भय की क्या आवश्यकता? आपकी सृष्टि में कितनी अधिक विचित्रताएं और विडंबनाएं हैं परमपिता ब्रह्मा जी। ओम जगत सृजनहार श्री ब्रह्म देवाय नमो नमः। धर्मराज एवं चित्रगुप्त, आप यहां ब्रह्मलोक में? हमारी सृष्टि का कार्य तो कुशल पूर्वक चल रहा है ना? सृष्टि के कार्य में तो कोई बाधा नहीं है परमपिता, किंतु किंतु क्या धर्मराज? धर्म को अपनी बात कहने में तनिक भी संकोच रखना अनुचित है। निसंकोच कहें, क्या समस्या है? हे परमपिता, आपने पृथ्वी लोक के प्राणियों की मृत्यु के पश्चात उन्हें जाने हेतु यमलोक का निर्माण किया। मुझ धर्मराज को यमलोक का प्रशासक तथा आप चित्रगुप्त जी को मृत प्राणियों के पिछले जीवन का लेखा जोखा रखने हेतु नियुक्त किया, परंतु हम निष्क्रिय हैं, हमारे पास कोई कार्य ही नहीं है। अपने कार्य के प्रति जिस प्रकार निष्ठा भाव प्रकट करते हुए आप दोनों ब्रह्म लोक में उपस्थित हुए हैं, उससे हम प्रसन्न हुए। हम अपनी निष्क्रियता से व्यग्र हैं परमपिता, जिसका कारण है यमराज की उत्पत्ति का न होना। इसके कारण मृत प्राणियों को यमलोक में लाने वाला कोई नहीं है। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें परमपिता। धर्मराज, चित्रगुप्त, आप दोनों ही को इस बात का ज्ञान है कि सतयुग में किसी प्राणी की अकाल मृत्यु नहीं होती। सभी प्राणी अपनी आयु पूर्ण करके ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं और स्वयं ही यमलोक आ जाते हैं। परंतु असुरों की तो अकाल मृत्यु होती है, उनके प्राणों को कौन और कहां ले जाता है? विधि के विधान के अनुसार असुरों का निवास पाताल लोक में है। मृत्यु के पश्चात वो पाताल ही जाते हैं और पुनः असुर के रूप में उत्पन्न होते हैं। जब किसी अवतारी शक्ति के द्वारा उनका वध होता है, तब ही उन्हें असुर योनि से मुक्ति प्राप्त होती है। किंतु जब सतयुग समाप्त होगा और त्रेता युग प्रारंभ होगा, तब क्या होगा परमपिता? धर्मराज की चिंता स्वाभाविक है, किंतु जगदीश्वर भगवान विष्णु की इच्छा अनुसार इस समस्या का समाधान शीघ्र ही होगा। सूर्य देव एवं संज्ञा के पुत्र के रूप में यमराज
निश्चित समय पर जन्म लेंगे। आप दोनों प्रतीक्षा करें।